नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जसलन में। और आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, वो है नोबल प्राइज़। बिल्कुल दोस्तों, आज हम नोबल प्राइज़ पर डिस्कशन करेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे और 2018 में नोबल प्राइज़ किस किस को दिया गया उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है MPPSC 2019 को ध्यान में रखते हुए, और जो भी आगामी अब एग्ज़ाम होंगे उनको अगर देखें तो चलिए इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, नोबल प्राइज़ 2018 और इसकी हिस्ट्री पर। तो सबसे पहले नोबल प्राइज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नोबल प्राइज़ की स्थापना, यानी नोबल प्राइज़ जो दिया जाता है उसकी स्थापना जो की थी 1901 में। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि नोबल प्राइज़ यानी अल्फ्रेड नोबल जो एक व्यक्ति थे, स्वीडन के थे, तो उनके नाम पर उनकी जो वसीयत थी, उनकी वसीयत से जो भी धनराशि मिलती है उस धनराशि को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट की खोज की थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एज ए फिजिक्स केमिस्ट्री में जो प्रश्न बनते हैं साइंस में, तो पूछ लिया जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबल ने की थी। तो अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश वैज्ञानिक थे एक, उन तो इनके जो इनकी जो वसीयत है, तो वसीयत से जो इनको पैसा प्राप्त होता है, तो उस धन से इन सभी पुरस्कारों की राशि प्रदान की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नोबल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की जा चुकी है। ध्यान रखिएगा, जब नोबल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट किया गया था तो सिर्फ यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता, ठीक है ना। लेकिन 1967 में एक और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये दिया जाने लगा, ठीक है, और 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र नोबल पुरस्कार की स्थापना 1967 में हुई और पहली बार जब अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिया गया तो 1969 में दिया गया था। तो जो टोटल जो कुल 6 क्षेत्र हैं वो हैं चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कि अगर ये पूछ ले कि नोबल पुरस्कार का वितरण किस दिन किया जाता है, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर इसलिए क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबल का जन्मदिन होता है, तो इनके माफ़ कीजिएगा जन्मदिन नहीं पुण्यतिथि, यानी अल्फ्रेड नोबल की इस दिन ही मृत्यु हुई थी, तो इस दिन इन सभी पुरस्कारों को वितरित किया जाता है। तो 10 दिसंबर को इनके पुण्यतिथि पर नोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और अक्टूबर मंथ में ही इन सभी नामों की घोषणा कर दी जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को नोबल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, नोबल पुरस्कारों 6 पुरस्कारों में से शांति का जो ध्यान रखिएगा, शांति का जो नोबल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो शांति का नोबल है वो नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो वहाँ प्रदान किया जाता है, बाकी जो पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। यानी जो कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं नोबल पुरस्कार, उसमें जो 5 क्षेत्र हैं वो सब स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी, लेकिन जो शांति का नोबल है वो कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट, ये जो नोबल पुरस्कार होता है, कोई भी एक 6 में से कोई भी एक, प्रत्येक नोबल पुरस्कार मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है साथ में, कोई 3 व्यक्ति हो सकता है जिन्हें एक पुरस्कार प्रदान किया सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और एक और फैक्ट कि सबसे कम उम्र के नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, पुरुष में लॉरेंस ब्रैग हैं। ध्यान रखिए, लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष के थे जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, और मलाला यूसुफजई ध्यान रखिएगा पाकिस्तान की हैं। तो ये सबसे कम उम्र की लेडीज़ हैं, मतलब महिला हैं, तकरीबन 17 वर्ष की थी, तो इन्हें नोबल का पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कि शांति का नोबल अभी तक सबसे ज़्यादा बार रेड क्रॉस, सब जानते हैं रेड क्रॉस जो एक मेडिकल से जुड़ी हुई एक संस्था है, कमेटी है, उसको 3 बार ये शांति का नोबल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, 1917, 1944 और 1963। तो इन 3 बार प्राप्त हो चुका है रेड क्रॉस को शांति का नोबल पुरस्कार, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने होंगे हिस्ट्री के तौर पर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, और कुछ में ये देखना है कि जो नोबल पुरस्कार है, उन नोबल पुरस्कारों में हमारे भारतीय जो भारतीय मूल के थे उन्हें कब कब और किस किस चीज़ के लिए दिया गया है, ठीक है। हिस्ट्री में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है PSC में,
और भी कई सारे एग्जाम्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो व्यक्ति हैं और इन्हें कब और किस चीज़ के लिए ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लेते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इनको प्रदान किया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी को 1913 में इनकी कृति गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए, रवीन्द्रनाथ ठाकुर जी को 1913 में गीतांजलि के लिए, लेकिन इनकी जो रचना हो गई थी ध्यान रखिए 1910 में ही हो गई थी, ठीक है, 1910 में हो गई थी। तो 1913 में फिर इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट सीवी रमन, ठीक है, चंद्रशेखर सीवी रमन, ठीक है। तो सीवी रमन 1930 में इनको रमन प्रभाव के लिए, ध्यान रखिएगा, रमन प्रभाव के लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो ये पूछा है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार है कब दिया गया, तो 1930 आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हरिगोविंद खुराना, कृत्रिम जीन के संश्लेषण, जो जो आर्टिफिशियल जीन्स होते ना उनका इन्होंने खोज की थी, इसकी खोज की थी हरिगोविंद खुराना ने कब, 1968 में इन्हें इसके लिए नोबेल का पुरस्कार दिया गया, ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरिगोविंद खुराना जी को 1968 में कृत्रिम जीन के लिए, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कृत्रिम जीन की जो खोज किसने की थी, तो हरिगोविंद खुराना ने, ठीक है। तो इनको इस चीज़ के लिए 1968 में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया चिकित्सा का। नेक्स्ट मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा को समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए इन्हें ये शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में प्रदान किया गया। और दूसरी बात एक और बता दो कि मदर टेरेसा को 1979 के नेक्स्ट ईयर 1980 में भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो भारत रत्न 1980 में प्रदान किया गया, तो ये भी याद रखें। तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार और 80 में भारत रत्न भी प्रदान कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, तो 1983 में चंद्रशेखर सीमा, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है उन्हें 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो भौतिकी का ये नोबेल पुरस्कार था चंद्रशेखर सीमा, तो ये भी याद रखें 1983 में इनको दिया गया था, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए किसको, अमर्त सेन जी को 1998 में, यानी गरीबी से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करने के लिए इन्हें अमर्त सेन जी को 1998 में ये नोबेल का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट साहित्य का नोबेल वी एस नायपाल जी को 2001 में दिया गया था, ध्यान रखिए वी एस नायपाल की अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले ही मृत्यु हो गई है, तो वी एस नायपाल जी को 2001 में साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया था। नेक्स्ट वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 में प्रदान किया गया था, इनके साथ अमेरिकी वैज्ञानिक थे और एक साथ में इसराइल के भी वैज्ञानिक थे, तो इन्हें सामूहिक रूप से रसायन का ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एक्चुअली उन्होंने राइबोसोम की संरचना पर काफ़ी काम किया था, तो इस पर इन तीनों व्यक्तियों को, वेंकट रमन रामकृष्ण को, जो अमेरिका और इसराइल के दो और साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे, उन्हें ये पुरस्कार सामूहिक रूप से दिया गया था। तो ध्यान रखें वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट कैलाश सत्यार्थी, आप सब जानते हैं 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो कैलाश सत्यार्थी और जो मलाला यूसुफ़ज़ई जिनके बारे में अभी मैंने बात की थी कुछ देर पहले, पाकिस्तान की, तो 17 वर्ष की वो सबसे कम उम्र की अभी महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ़ज़ई को सामूहिक रूप से दोनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना कि कब किस व्यक्ति को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और भी, अब वो व्यक्ति हैं जिन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार, एक ही व्यक्ति को दो बार किसी न किसी खोज के लिए प्रदान किया गया, तो इन जो चार आप देख पा रहे हैं ये चार व्यक्ति, इन चारों व्यक्तियों को भी आपको याद रखना होगा कि इन्हें कब कब दिया गया पहली बार और कब कब दूसरी बार, और इनमें कौन से वो भी व्यक्ति हैं जिन्हें रसायन किसी एक ही सब्जेक्ट के लिए, किसी एक ही विषय के लिए या किसी दो अन्य विषयों के लिए, दो अलग अलग विषयों के लिए पुरस्कार दिया गया नोबेल का, ठीक है। तो सबसे पहले मैडम कुरी की बात कर लेते हैं। मैडम कुरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन के लिए, तो अलग अलग होगा इनका ना, मैडम कुरी जी का। तो 1903 में जो इन्होंने रेडियो सक्रियता
रोडेज सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है 1903 में दिया गया। उसके बाद 1911 में रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इन्होंने शुद्ध रेडियम की खोज की थी 1911 में, तो इस चीज़ के लिए फिर 1911 में इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार फिर से मिला। तो 1903 में भौतिकी का, 1911 में रसायन का। नेक्स्ट 1954 में किसको, लिनस पॉलिंग को, ध्यान रखिएगा 1954 में लिनस पॉलिंग को रसायन के लिए, और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो एक्चुअली न्यूक्लियर जो परीक्षण होते हैं, न्यूक्लियर यानी नाभिकीय परीक्षण, उनमें इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया था इसकी रोकथाम के लिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होते हैं उस चीज़ के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो इस चीज़ के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 1962 में, और इसके पहले इन्होंने रसायन के लिए 1954 में नोबेल पुरस्कार ले लिया था। ठीक है, तो 1954 में लिनस पॉलिंग को रसायन के लिए और 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर 1956 और 1972 में भौतिकी के लिए किसको, जॉन वर्डेन को, ध्यान रखिएगा दोनों बार फिजिक्स के लिए इन्हों, एक बार 56 मिल चुका, उसके बाद दूसरी बार कब मिला इन्हें, 1972 में भौतिकी के लिए। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखें 1956 और 1972 में जॉन बॉर्डिन को भौतिकी के लिए। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी भौतिकी में जो किया गया था, और दूसरी बार अतिचालकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो दूसरी बार इन्होंने 1972 में, तो 56 में ट्रांजिस्टर के लिए और 72 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर 1958 और 80 में दो बार किसे मिला, फ्रेडरिक सेंगर को, तो इन्हें रसायन के लिए। ठीक है, तो फ्रेडरिक सेंगर को दो बार एक ही सब्जेक्ट यानी रसायन के लिए ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पहली बार इन्होंने रसायन में इंसुलिन पर काम किया था, और दूसरी बार वायरस पर, वायरस जो होते हैं ना, वायरस बैक्टीरिया सुना होगा, तो वायरस की खोज के लिए इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये चार व्यक्ति हैं जिन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो आपको मैं थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा इन चारों को याद करने के लिए, तो इनको नीचे से याद रखिएगा। जैसे एफ ए बी सी डी में एफ पहले आता है, तो एफ फिर जे आता है, एफ के बाद ही जे आता है ना, फिर एल आता है, उसके बाद एम आता है। तो आपको ऐसे है, तो एफ जे एल एम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल फिर एम, तो ऐसे, तो ऐसे आपको याद रखेगा तो कौन कौन सा है। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक सिंगर और जॉन वर्डेन ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट के लिए दो बार, तो जॉन वर्डेन को भौतिकी के लिए मिला दो बार, और फ्रेडरिक सिंगर को रसायन के लिए दो बार, बाकी लिनस पॉलिंग को रसायन और शांति के लिए, और मैडम क्यूरी को भौतिकी और रसायन के लिए दो बार अलग अलग सब्जेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इन चारों व्यक्तियों को भी आपको याद रखना है कि कब कब इन्हें किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं, अब बात करते हैं 2018 में जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैंसर उपचार के लिए दिया गया है जेम्स एलिसन और तुसुकु होंजो। तो जेम्स एलिसन अमेरिका के हैं और तुसुकु होंजो जापान के, नाम थोड़े अटपटे हैं बट आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछता है, आप सब जानते हैं, वाकिफ हैं आप सभी। तो नोबेल का पुरस्कार किस चीज़ के लिए, कैंसर उपचार के लिए, इन्होंने कैंसर के लिए काफ़ी कुछ काम किया, इसके लिए जेम्स एलिसन अमेरिका के हैं और तसुक हों जो जापान के, जो इन्हें संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट भौतिकी का नोबेल, भौतिकी का नोबेल यानी किसके लिए, लेज़र भौतिकी के लिए, लेज़र साइंस के लिए इन्होंने काम किया, तो इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया। कौन कौन है, अमेरिका के आर्थर एस्किन, डोना स्टिकलैंड कनाडा के, और गेरार्ड मोरो फ्रांस के, इन तीनों व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। और एक चीज़ और फैक्ट बता दूं कि जो आर्थर एस्किन है, अब वर्तमान में ये 96 वर्ष की और सबसे ज़्यादा उम्र के पुरस्कार यानी नोबेल पाने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हो गए हैं। इनके पहले आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि लियोनिद हरक्विज अमेरिका के ही थे, ये 90 ईयर्स के थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अब वर्तमान में अब पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आर्थर अब वर्तमान में नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा उम्र के पाने वाले कौन हैं, तो आर्थर एस्किन अमेरिका के हैं। ठीक है, तो ये भी एक ध्यान रखिए, 96 वर्ष के आर्थर एस्किन, इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार लेज़र भौतिकी के लिए प्रदान किया गया। तो इन तीनों को भी आपको याद रखना है, लेज़र भौतिकी के लिए आर्थर एस्किन, डोना स्टिकलैंड कनाडा से, और गेरार्ड मोरो फ्रांस से, इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया भौतिकी का नोबेल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रसायन का नोबेल किसको दिया गया, किस चीज़ के लिए, तो सबसे पहले किस चीज़ के लिए, तो एंजाइम्स और एंटीबॉडी को विकसित करने के लिए
क्रमिक विकास का उपयोग करने हेतु, यानी एंजाइम्स और एंटीबॉडी का विकास किया इन्होंने, इसके लिए रसायन का पुरस्कार किसको इसको दिया गया, फ्रांसिस एच अर्नॉल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर। तो इन तीनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से इस रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। तो फ्रांसिस एस अर्नॉल्ड अमेरिका के, जॉर्ज पी स्मिथ भी अमेरिका के, सर ग्रेगरी पी विंटर ब्रिटेन से। तो इन्हें रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया एंजाइम्स और एंटीबायोटिक को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट, शांति का नोबेल पुरस्कार यौन हिंसा के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए दिया गया किसे, डेनिस मुकवेज, कांगो रिपब्लिक। ध्यान रखिएगा कांगो रिपब्लिक अफ्रीकाई कंट्री है, तो डेनिस मुकवेज को कांगो रिपब्लिक के जो है उन्हें, और नादिया मुराद इराक की है। नादिया मुराद एक फीमेल है, महिला है, तो इन्हें ये दूसरी एक चीज़ और इनके बारे में बता दूँ, नादिया मुराद को, मैं नादिया मुराद के बारे में, ये दूसरी सबसे कम उम्र की है, यानी मलाला यूसुफ़ज़ई 17 वर्ष थी तो नादिया मुराद 25 वर्ष की हैं, जो इराक की हैं, और इन्होंने यौन हिंसा के खिलाफ कई प्रयास किए जिसके लिए इन्हें, और डेनिस मुकवेज कांगो रिपब्लिक, ये एक जो लेडीज स्पेशल डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ पर उन्होंने काफ़ी काम किया और यौन हिंसा से यार के खिलाफ कई सारे प्रयास किए रोकने के लिए खिलाफ इनके। तो डेनिस मुकवेज कांगो रिपब्लिक के, अनादिया मुराद इराक, इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, अब बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आगे होती है, कैसे नीचे गिरती है, इस पर इन्होंने रिसर्च किया, इस चीज़ के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो कौन है, विलियम नॉडहॉर्स और पॉल रोमर, दोनों व्यक्ति अमेरिका के हैं, विलियम नॉडहॉर्स और पॉल रोमर, इन्हें ये दोनों अमेरिका के हैं, इन्हें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और आखिरी साहित्य का नोबेल, तो साहित्य का नोबेल की बात करें तो 2018 में साहित्य का नोबेल किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है, क्योंकि जो साहित्य का नोबेल का पुरस्कार की घोषणा करने वाली जो कमेटी थी उसके कुछ व्यक्तियों पर यौन शोषण का जो केस होता है उस केस के लगने के कारण ये फैसला नहीं हो पाया कि इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको देना है। तो 2018 में साहित्य का नोबेल किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 2018 के जो 6 में से जो 5 पुरस्कार दिए गए हैं उन पर हमने चर्चा कर ली, कौन सा व्यक्ति कहाँ का है ये भी आपको याद रखना है, और किस व्यक्ति को किस चीज़ के लिए दिया गया ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 2018 के नोबेल पुरस्कार और जो इसकी हिस्ट्री हुई, तो ये आपको याद रखना है और इतना आपके लिए सफिशियंट है और PSC में पूछा ही जाता है, इसलिए अच्छे से इसे कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।